यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वर्ग के बारे में सभी जानकारी सीखने वाले हैं। जैसे कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग की भुजा कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी है ना, वह सब जानकारी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और वो भी बिना भगाए हुए ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग की परिभाषा समझते हैं। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा शब्द है चतुर्भुज, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, चतुर्भुज का परिभाषा यह होता है कि चार गो रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जिस तरह से चार गो रेखाखंड से कोई भी आकृति बंद रहती है ना, तो उसे चतुर्भुज कहा जाता है। इसमें शर्त केवल दो है कि इसमें रेखाखंड की संख्या चार होनी चाहिए और आकृति बंद होनी चाहिए। तो अब आप चतुर्भुज समझ गए होंगे, अब वर्ग का परिभाषा समझिए। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। अब देखिए यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। भुजा से कहने का मतलब कि यह जो रेखाखंड है ना इसका, यह सभी आपस में बराबर होती हैं। तथा अंदर का प्रतीक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पर चार गो कोण बन रहा है, एगो कोण यहाँ पर बन रहा है, एगो कोण यहाँ पर, एगो यहाँ पर और एगो यहाँ पर बन रहा है। तो परिभाषा यही कहता है कि अंदर के जो भी यह कोण बन रहा है ना चारों, यह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग का परिभाषा बहुत ही आसान है, मात्र एक लाइन का है कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए भुजा बराबर से कहने का मतलब कि यह भुजा 6 सेंटीमीटर का है तो यह भी देखिए 6 सेंटीमीटर का है, यह भी 6 सेंटीमीटर का है और यह भी 6 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब वर्ग पर जितना भी सूत्र बनता है हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए इस पर सबसे पहला सूत्र बनता है कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। जी हाँ, इसका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। क्षेत्रफल को बड़ा ए से सूचित किया जाता है और भुजा को छोटा ए से सूचित किया जाता है। तो यदि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका सूत्र हम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एगो वर्ग दिया गया है और इसका प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का है। यदि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा और वही हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब इस पर दूसरा सूत्र होता है वर्ग का भुजा। तो देखिए कभी कभी प्रश्न इस तरह से दिया रहता है, उसमें क्षेत्रफल दे दिया रहता है और कहता है कि इस वर्ग का भुजा आप बताइए। तो उस कंडीशन में वर्ग का भुजा बराबर होता है रूट में क्षेत्रफल। जी हाँ, वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है सूत्र, तो रूट में क्षेत्रफल। वर्ग में तीसरा प्रमुख सूत्र होता है वर्ग का परिमाप। तो इसका सूत्र होता है चार गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो चार गुणे भुजा। और जिसमें चौथा प्रमुख सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण। तो यहाँ पर आप विकर्ण समझ लीजिए कि विकर्ण किससे कहते हैं। तो देखिए जब हम वर्ग में इस तरह से तिरछा तिरछी इस तरह से भुजा खींचेंगे तो यह विकर्ण कहलाएगा। तो एक वर्ग में दो विकर्ण होता है, एक भुजा यह हमने खींच दिया और एक भुजा हम इस तरह से खींच सकते हैं। तो यदि पूछेगा कि वर्ग का विकर्ण बताइए तो उसका सूत्र क्या होता है, रूट दो गुणे भुजा। क्या होता है, तो रूट दो गुणे भुजा।